में सलमान खान को फिर से धमकी मिली है। सलमान खान के अलावा बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को भी फोन पर धमकी मिली है और इस मामले में पुलिस ने फोन पर धमकी देने वाले आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। फोन पर धमकी देने वाले आरोपी की उम्र 20 साल बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, सलमान खान को फिर से धमकी मिली थी। इस मामले में 20 साल के लड़के को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा से ये गिरफ्तारी होती है, ये अहम गिरफ्तारी कहा जा रहा है, क्योंकि जीशान को भी फोन करके पैसे की डिमांड की गई थी, जिसकी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही शख्स है जिसने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान को भी फोन किया था और ऐसे में अब इसकी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि सलमान खान को भी इसी ने धमकी दी थी। तो एक्टर सलमान खान को फिर धमकी मिली है। सलमान खान के अलावा बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को भी फोन पर धमकी मिली है। इस मामले में पुलिस ने फोन पर धमकी देने वाले आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया है। फोन पर धमकी देने वाले आरोपी की उम्र 20 साल है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या इस युवक का जो 20 साल जिसकी उम्र है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है या फिर इसने लाइमलाइट में आने के लिए यह सब किया, उसका मकसद क्या था, यह सब पुलिस जानेगी। लेकिन यह गिरफ्तारी काफी अहम हो जाती है। तो जीशान को फोन करके पैसे की डिमांड की गई आपको बताएं कि, और सलमान खान को भी फोन किया गया, धमकी मिली। सलमान खान को तो लगातार पिछले कुछ समय से धमकी मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है उसके बाद उनके बेटे जीशान को भी कॉल की गई, पैसों की डिमांड की गई थी और इस मामले में यहाँ पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा से अहम गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव मौजूद हैं। मुंबई से हमारे साथ विवेक गुप्ता है, नोएडा से दीपक बिष्ट है। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आती हूं। जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है या फिर उसने लाइमलाइट में आने के लिए किया, क्या उसका मकसद रहा, इस बारे में कोई डिटेल्स? देखिए, एक साधारण लड़का है गुफरान उर्फ तैयब, जिसका नाम बताया जा रहा है। 20 साल की उम्र है। सेक्टर 39 में पुलिस पहुंची थी, मुंबई पुलिस ने सेक्टर 39 पुलिस से संपर्क किया था, जिसके बाद दोनों पुलिस ने छापेमारी करके उसकी गिरफ्तारी की है। देर रात उससे काफ़ी देर पूछताछ हुई, जिसके बाद उसे मुंबई ले जाया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि जिस दिन, यानी शुक्रवार, 5 दिन पहले शुक्रवार की शाम को सिद्दीकी, जो जीशान सिद्दीकी है, उनके दफ्तर में कॉल की गई थी और लैंडलाइन पर कॉल करने के बाद धमकी दी गई थी जान से मारने की। उसके अलावा सलमान खान का नाम लेकर भी धमकी दी गई थी और कहा गया था कि इसके बदले पैसे दिए जाएं। और पुलिस को ये बात तुरंत ही बताई गई, जिस तरह से कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी, उसके बाद से ही पुलिस अलर्ट थी। और यहाँ पर अलर्ट का ही नतीजा था कि इसकी लोकेशन दिल्ली के बगल में नोएडा में मिल रही थी, जिसके बाद संपर्क करने के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। अभी तक ये रिकॉर्ड में नहीं आया, सूत्र बता रहे हैं कि किसी तरह की कोई किसी गैंग से इसके ताल्लुकात नहीं है, लेकिन पुलिस फिलहाल पूछताछ करेगी क्योंकि क्या मकसद था इसका फ़ोन करने के पीछे, क्योंकि इस बीच कई सारे गैंगों के नाम आए थे क्योंकि उनके तरफ से भी कॉल जाती थी, इसलिए ये माना जा रहा है कि क्या किसी गैंग से इसके ताल्लुक तो नहीं। फिलहाल अभी इनसे इससे पूछताछ की जा रही है। ठीक है, दीपक, विवेक हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। विवेक, आरोपी गुफरान को मुंबई ही लाया गया है, क्या किसी और के संपर्क में मुंबई था, किसी गैंग से ये जुड़ा हुआ था, क्या डिटेल्स और इसको लेकर के सामने आई है? जिसमें देखिए, पूरा मामला ये शुक्रवार का है, जब नोएडा में रहने वाले 20 साल के लड़के ने गुरफान ने जीशान सिद्दीकी की जो पार्टी है उसके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया था, क्योंकि गूगल पर और सभी जगह पर पार्टी की हेल्पलाइन नंबर मौजूद है। उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, फिर मैसेज किया, कॉल करने के बाद कहा कि जीशान सिद्दीकी को उसकी हत्या कर दी जाएगी और साथ ही साथ सलमान खान की भी हत्या कर दी जाएगी, और एक रैंसम कॉल ने धमकी वाला कॉल और पैसे मांगने की मांग की, जिसको लेकर जीशान सिद्दीकी की टीम ने इस पूरे मामले की जो शिकायत है वो मुंबई के निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में की। पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही जीशान सिद्दीकी के पिता और एनसीपी के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसलिए मुंबई पुलिस ने सबसे पहले उस नंबर को ट्रेस डाउन किया जिस नंबर से यह धमकी वाला कॉल आया था। पुलिस नोएडा पहुंचती है और नोएडा में ट्रेस डाउन करके इस आरोपी को गिरफ्तार करती है। 20 साल का ये लड़का है, गुरफाम नाम बताया जा रहा है, उसे मुंबई लाया जा चुका है, अभी कुछ देर बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ज्यादातर जानकारी निकल सके। लेकिन जसप्रीत, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि सिर्फ और सिर्फ इसने छोटे से पैसे की लालच में उसको लगा कि वो जीशान सिद्दीकी या सलमान खान का नाम अगर के नाम से धमकी देगा तो उससे कुछ पैसे से मिल जाएंगे, उसको लेकर इसने ये फोन कॉल किया। लेकिन पुलिस ने इसमें गंभीर धाराओं के साथ मामला दर्ज किया है। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है, कौन से गैंगस्टर से रिलेटेड है। बिल्कुल, जब पूछताछ होगी विवेक तो तस्वीर साफ होगी, लेकिन अहम जानकारी हमारे सहयोगी विवेक देते हुए कि शुरुआती जो जांच में बात सामने आई है कि पैसों के लिए कुछ पैसे इसको जीशान सिद्दीकी या सलमान खान से मिल जाएंगे, इसलिए इसने ये सब किया है। हालांकि पुलिस ने गंभीर धाराएं लगाई हैं। दीपक और विवेक, आप दोनों का शुक्रिया।